आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अधिक फोबिया, ये दोनों एक साथ वो व्यक्ति को बीमारी थी और वो मेरे पास में, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये केस स्टडी है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो व्यक्ति मेरे पास में है, ऐसा 35-36 साल की उम्र होंगी, आते उसने काफी सारी 5-6 फाइल मेरे सामने डाल दिया। सब तरफ वो घूम के आया था। बॉम्बे में जाके आया था, इंदौर जाके आया था, औरंगाबाद जाके आया था, नागपुर जाके आया था, सब तरह जाके सब तरह की दवाई उसने पेट की ली हुई थी और अलग अलग जांच की हुई थी और उसमें कुछ भी निकला नहीं। प्रॉब्लम था उसको कि पेट में अंगार होना, पेट साफ नहीं होना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, जलन सीने में, छाती में जलन होना है, पेट ऐसा फूल जाना। और बोले जब पेट फूल जाता है ना, इतना पेट फूल जाता है कि फिर बहुत बेचैनी आती है। फिर बेचैनी आने में तो कुछ काम नहीं कर सकते, काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सांस अपनी फूल गई है, सांस भी बराबर ले नहीं सकते। और एक्चुअली उसका मतलब साइज दिखता है। उसने बताया, देखो अभी मेरा पेट कितना फुला हुआ है और साइज बहुत बड़ा हुआ है। लैट्रिन साफ नहीं होती, शौच साफ नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। और फिर ढकार आती है, खट्टी खट्टी ढकार आना, और खट्टी ढकार आने से भी उसको अच्छा लगता नहीं है, बहुत बुरा लगता है, बांस भी उसका आता है और फिर उसको ठीक लगता नहीं। उसमें ना और क्या है भाई आपको, बोले और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांप की मतलब उसका डर लगता है, एक्सीडेंट का डर लगता है, अकेला रहने का डर लगता है, मैं कहीं जा नहीं सकता अकेला, घूमना फिरना बंद है। उसको लगता है कि मैं कहीं जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा और जब यात्रा करूंगा तो यात्रा में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और कभी सारे अलग अलग तरह की उसको डर है, फोबियाज है, और उसकी वजह से उसने अपने आप को बंदिश करके रखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ा धीरज रख के वो मेरे पास में आया कि भाई आप कुछ तो भी इलाज करो, क्योंकि एक तो खाना भी मुश्किल हो गया। कम से कम पिछले 3 साल में उसका 15 किलो वजन कम हो गया, खाना कम जाता है, काम करना बंद है डर की वजह से, और फिर प्रॉब्लम है रोज का जीवन जीने के लिए। घर के लोग परेशान हैं, पैसा खर्चा होते जा रहा है, आमदनी कम है और पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, दवाई के ऊपर पैसा जा रहा है, और उसको समझता नहीं है कि अभी नींद भी ठीक नहीं है। तो नींद ठीक नहीं हुई तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती, दूसरे दिन डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस है, और प्रॉब्लम सब तरह उसको दिखाई देते हैं। फिर चिड़चिड़ाहट आने के वजह से फिर घर में झंझट झगड़े होते रहते हैं, घर के लोग चिल्लाते, काम पे जाता नहीं है करके, और फिर सबको ही परेशानी इसकी वजह से होती है। अब ये जो है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अधिक उसको फोबिया भी हुआ है। अभी ऐसा मैं उसको बोला कि भाई ठीक है, मैं आपको दवाई दूंगा, कोई मेडिसिन है, क्योंकि इसका कनेक्शन है। ब्रेन के कुछ पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं और ब्रेन के कुछ पैटर्न्स ऐसे बनने के बाद में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, और केमिकल लोचा होने के बाद में वो केमिकल लोचा सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, अलग अलग जो सिक्रीशंस है जो ब्रेन में होते रहते हैं, जिसके वजह से केमिकल्स का आवागमन जो होता है ब्रेन में, उसके वजह से इम्पल्सेस या मतलब वो ट्रांसमिशन इधर उधर संदेश वहन होता है, और उसका असर पेट पे भी गिरता है। ब्रेन में जब प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, ब्रेन की कोई तो भी ऑर्गन अपना लक्ष्य बना लेता है। अब इसके केस में उसने पेट को अपना लक्ष्य बना लिया, और ब्रेन में जब प्रॉब्लम है तो पूरा उसका ट्रांसफर पेट के ऊपर होता है, और उसके साथ साथ फिर ब्रेन को ये पैटर्न जो बन गए फोबिया के, वो भी बने हुए। उसको कहने वाला, देखो भाई मैं आपको दवाई दूंगा और उसके साथ साथ हम काउंसलिंग करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, जिसके वजह से आपके जो अंतर्मन में जो डर बैठा हुआ है वो, और ऐसा क्या हुआ वो देखना पड़ेगा कि भाई पिछले 3-4 साल से आपको पेट का प्रॉब्लम है, पहले से बचपन से आप डरे हुए इंसान हो, ऐसा डेयरिंग नहीं है, धीरज नहीं है, अकेला बाहर जाना आना पहले से डरा हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमको देखना पड़ेगा कि बचपन में ऐसा क्या हुआ, क्या परवरिश में आपका क्या कार्यक्रम हो गया, ऐसा मतलब क्या प्रॉब्लम आ गया कि जिसके वजह से एक ब्रेन पैटर्न बन गया, और वो ब्रेन पैटर्न जो वो चलते आ रहे। ब्रेन पैटर्न यदि हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ब्रेन पैटर्न बदलने का है, तो ब्रेन पैटर्न बदलने के लिए फिर आपको एक तो दवाई है, काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी, और आपकी खुद की इच्छा, पेशेंट की इच्छा, और उसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। कितने सारे पेशेंट मेरे पास में आते रहते हैं कि जिनको अभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसमें काफ़ी सारा मतलब उनको रिलीफ हो चुका है, को फ़ायदा हो चुका है, और वो अभी अच्छा जीवन आपका अपना जी रहे। फोबिया में भी ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग अभी दवाई लेते हैं, डिसेंसिटाइजेशन विजुअलाइजेशन के साथ में उनका करवाते हैं, और उनमें उनको फ़ायदा हो जाता है और उनका अपना जीवन अच्छा जीते हैं वो। तो ऐसा काफ़ी लोगों को है, तो आप ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो।
हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट्स को बिना रिश्तेदारों का या रिश्तेदारों के साथ भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हम करते हैं, आपको यहाँ आना संभव नहीं होगा तो ज़रूर ऑनलाइन हमारे लोगों से कॉन्टैक्ट करो, हमारे असिस्टेंट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो और फिर मेरे से आप काउंसलिंग करके अपना इलाज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और अपना जीवन जो है वो खुशहाल जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।